हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DVR पावर सप्लाई के बारे में। DVR जो पावर सप्लाई होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये मैं आपको इसको ऑन बोर्ड टेस्टिंग बताऊंगा कि कैसे इसको चेक करना। DVR पावर मीन्स जो है, आपने देखा होगा कैमरा, जो CCTV जो कैमरा होता है, वो कैमरा को रन कराने के लिए जो है DVR यूज किया जाता है। DVR जो होता है वो मेन बोर्ड होता है, ठीक है। और उस DVR के अंदर जो है, उस DVR को ऑन होने के लिए जो है उसको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होता है, जो कि जो है 12 वोल्ट उस DVR को ऑन होने के लिए चाहिए होता है। और वो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है, वो यही जो है पावर सप्लाई जो है वो इसको देने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है पावर सप्लाई जो है, और ये अलग अलग जो है इसका पिन होता है, और यहाँ से ये वोल्टेज जो है अलग अलग आउट होता है, ठीक है। और ये 220 वोल्ट इन होता है और 12 वोल्ट जो है इससे वो आउट होता है, ठीक है। और ये 2 एम्पियर पे काम करता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट जो है DC वोल्टेज लिखा हुआ है, तो ये जो है अलग अलग एम्पियर के भी आते हैं। तो अगर हमारा ये पावर सप्लाई ख़राब हो गया DVR के अंदर, जिसकी वजह से वो DVR काम नहीं करेगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि जो DVR है हमारा वो सही है, मतलब पावर सप्लाई सही है या ख़राब है। तो यहाँ पे ये प्लग लगाकर यहाँ पे अगर सप्लाई चेक करते हैं, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है तो ये सेक्शन बिल्कुल ओके। अगर यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो इसके अंदर जो ये सर्किट है, मतलब ये सर्किट है, इसको चेक करना होता है। अब इसमें क्या क्या लगा होता है वो आप बहुत ही मतलब देख सकते हैं। यहाँ से 220 वोल्ट जो हम अभी ऑन बोर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑन बोर्ड कैसे ट्रेसिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ से 220 वोल्ट इन होता है, इन होने के बाद यहाँ पे फ्यूज थर्मिस्टर से होते हुए ये यहाँ पे जाता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे 220-230 वोल्टेज, फिर फिल्टर कैपेसिटर पे AC को DC में कन्वर्ट करता है ये डायोड, फिर कैपेसिटर पे 300 के आसपास वोल्टेज जाता है, और इसी कैपेसिटर से द्वारा यहाँ पे एक STR मतलब IC लगा हुआ है, 5 या 6 पिन का होता है, इस IC पे जाता है सप्लाई, जो कि 300-350 वोल्टेज। और IC के अंदर जो है ओसिलेशन का सर्किट है, जिससे कि वो IC जो है ऑन हो जाता है, और वो स्विचिंग करके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पिन पे AC जनरेट करता है, और वही प्राइमरी पिन पे जो AC जनरेट होता है वो सेकेंडरी से आउट होता है, और ये सेकेंडरी से जो AC वोल्टेज आउट होता है यहाँ पे फिर डायोड लगाकर AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो डायोड है वो AC को DC में कन्वर्ट करके, मतलब ये यहाँ से 12 वोल्ट आउट होता है, 12 वोल्ट AC लेके ये DC में कन्वर्ट करता है, यही 12 वोल्ट जो है फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा जो है कॉइल के द्वारा जो है फिल्टर करके यहाँ से जो है 12 वोल्ट की सप्लाई आउट कराया जाता है। तो इसको अगर हम नॉर्मली चेक करें तो उसको कैसे चेक करेंगे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि मल्टीमीटर को हमने रखा है DC 20 पे, और DC 20 पर रखने के बाद हमें डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर लेना है कि वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, पर यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ज़्यादा दिखा रहा है, यहाँ पे 17 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। 17 पॉइंट इसलिए दिखा रहा है कि इसमें तो एक आप बात मैंने बार बार मैं बताता हूँ कि अगर आपके मल्टीमीटर में ये अगर बैटरी लो का सिंबल आ रहा है, तो कोई भी अगर मल्टीमीटर से वोल्टेज सिग्नल चेक करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। तो 1-2 वोल्टेज ज़्यादा दिखाता है, फिर भी 1-2 वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहा है, और उसके अलावा भी इसमें वोल्टेज जो है 17 वोल्ट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ और भी इसमें दिक्कत हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये नॉर्मली जो है ये कैपेसिटर जो कि ये फटा हुआ है, फूला हुआ है, मतलब फट गया है, लीकेज हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पे वोल्टेज जो है वो प्रॉपर जो है वो बन नहीं पा रहा, और ये जो वोल्टेज है वो 17 वोल्टेज के समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो 17 वोल्टेज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका मल्टीमीटर का बैटरी थोड़ा डाउन है, मगर फिर भी ये कैपेसिटर हमें चेंज करना पड़ेगा। मगर उससे पहले हम इसको कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं कि अगर ये वोल्टेज बिल्कुल आउट नहीं हो रहा है यहाँ से तो कैसे चेक करें। यहाँ पर AC इन होता है, अब यही AC इन आप देखेंगे यहाँ से होते हुए यहाँ पर गया, और यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर से होते हुए यहाँ पे गया, और यहाँ मतलब ये जो AC सप्लाई है 220 मल्टीमीटर से चेक करने के लिए अगर AC वोल्टेज चेक करना होता है तो हम AC रेंज पे 720 पर रखते हैं, और यहाँ पे हम चेक करेंगे AC वोल्टेज। देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ज़्यादा इसलिए दिखा रहा, मैं दूसरा मल्टीमीटर दिखाता हूँ आपको, जो बैटरी इसका लो है, देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है 240
44 के समथिंग जो है दिखा रहा है, और उस मल्टीमीटर 300 के आसपास दिखा रहा था, ठीक है। तो यही 220 वोल्ट की जो सप्लाई है एसी वोल्टेज, वो यहाँ पे गया देखिए, और यहाँ से यहाँ पे गया ये वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ पे गया, और यहाँ से होते हुए ये है ब्रिज रेक्टिफायर जो कि बैक साइड में आपने देखा है, यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पे हम रखेंगे एसी वोल्टेज, और इस पर रखने के बाद ये वाला जो ट्रैक है इसको हमें चेक करना है कि ये जो ट्रैक है ये कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्यूज लगा हुआ है जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज ये 220 वोल्ट, यहाँ पे भी 220 वोल्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे फ्यूज थर्मिस्टर से होते हुए ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई कहाँ पर गया, यहाँ से होते हुए ये इस पर गया, ठीक है, यहाँ वाला पे, यहाँ से थर्मिस्टर से होते हुए ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे पीछे यहाँ पे ये दोनों जो है ना क्वाइल है, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है क्वाइल है, ये क्वाइल पे एसी वोल्टेज आ रहा, और यहाँ पे आने के बाद जो है फिर यहाँ पे आया, और यहाँ से होते हुए इस डायोड पे गया। अब ये जो डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, जो कि आप ये देखेंगे ये जो चार डायोड लगा है एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ से और यहाँ से डीसी वोल्टेज आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ से वोल्टेज, अगर डीसी वोल्टेज हमें चेक करना है तो इस पर हम इसको 600 पर रख लेंगे डीसी, और अगर हम चेक करें यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डीसी वोल्टेज जो है यहाँ पे उल्टा लगा, इसलिए माइनस में दिखा रहा, 300 साढ़े 300 वोल्टेज के आसपास जो है वोल्टेज यहाँ पर बनना चाहिए, जो कि आप देखेंगे 338-40 के वोल्टेज बन रहा है। इसका मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ से 300 वोल्टेज ये फिल्टर कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर पे सप्लाई जा रहा है, जो कि आप देखेंगे ये फिल्टर कैपेसिटर का ये जो दोनों पिन है यहाँ पे, ये दोनों पिनों पर जो है सप्लाई आ रहा है। एक सप्लाई तो आप ये जो है यहाँ से डीसी वोल्टेज यहाँ पर आ गया, और दूसरा यहीं से होते हुए यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर पे हमें 300 वोल्टेज जो है वो बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे बन रहा, यही 300 वोल्टेज जो है आप देखेंगे तो यही वोल्टेज जो है आपकी ये स्विचिंग जो मॉस्फेट यहाँ पे लगा हुआ आईसी, इस पर भी जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले पिन पे 300 वोल्टेज आ गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये वाला जो सप्लाई है ये भी देखेंगे, ये ट्रांसफार्मर से होते हुए, ये ट्रांसफार्मर से होते हुए जो सप्लाई है वो यहाँ पे होते हुए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका स्विचिंग कर रहा है, इसलिए वोल्टेज जो है आपका अप डाउन कभी दिखाएगा कभी नहीं दिखाएगा, ऑन और ऑफ हो रहा, तो यहाँ पे कभी देखिए कभी वोल्टेज दिखा रहा है कभी नहीं दिखा रहा। तो यहाँ से होते हुए ये स्विचिंग कर रहा है, अगर ये स्विचिंग नहीं करेगा तो यहाँ वोल्टेज फिक्स रहेगा, एक ही वोल्टेज रहेगा। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो यहाँ से जो वोल्टेज है ये सेकेंडरी में आउट नहीं होगा, और यहाँ सेकेंडरी में आउट नहीं होगा तो ये जो है यहाँ से सेकेंडरी से जो आउट होगा एसी वोल्टेज, ये 12 वोल्टेज के आसपास होता है। ये जो है यहाँ पे 3 पिन का जो डायोड लगा हुआ था इस डायोड पे जा रहा है, जो कि 3 पिन का जो है आप पीछे से देख लें, यहाँ पर ये 3 पिन का जो डायोड लगा, तो ये दोनों साइड पर वोल्टेज जाएगा, कितना वोल्टेज, ये दोनों साइड पे जो है 12 वोल्टेज के आसपास एसी जाएगा, बीच वाले से डीसी वोल्टेज आउट होगा। तो बीच वाले से डीसी वोल्टेज आउट करने के लिए हम डीसी 20 पर रखे ही हैं, ये कैपेसिटर ये ग्राउंड का पिन है तो ग्राउंड पर रख लेते हैं, और उसके बाद से हम यहाँ पे इसके बीच वाले पिन पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 14 वोल्टेज के आसपास जो है वोल्ट मिल रहा है। अगर हम इसको 20 पर कर लेते हैं तो प्रॉपर आपको दिखेगा, ये देखिए 14 वोल्टेज के आसपास जो है ये वोल्टेज यहाँ पे ये बन रहा है, और यही 14 वोल्टेज जो है वो यहाँ से होते हुए, ये 14 वोल्टेज जो है वो यहाँ से होते हुए ये वोल्टेज यहाँ पे गया, और यहाँ से यहाँ पे ये क्वाइल लगा हुआ है, क्वाइल से होते हुए ये है ये एक ट्रैक होते हुए यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव पिन है, ये पॉजिटिव पिन है, ये पॉजिटिव पिन है, ये पॉजिटिव पिन है, और ये जो है साइड साइड का ये वाला और ये वाला पिन निगेटिव है। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही 14 वोल्टेज के आसपास रहा, थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये कैपेसिटर जो है वो लीकेज है, जिसकी वजह से वोल्टेज आउट मतलब जो है वोल्टेज फिक्स नहीं दिखा रहा। तो यही कंपोनेंट है किसी भी डीबीआर, चाहे छोटा हो डीबीआर या बड़ा हो, इसी तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी वोल्टेज मिसिंग आ रहा है, जहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा है, उसको बहुत इजी तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई भी DVR का बोर्ड है या कोई भी पावर सप्लाई, किसी भी टाइप का पावर सप्लाई का सर्किट हो, तो इसी तरीके से आप ऑन बोर्ड में उसको चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, CCTV, प्रिंटर, LED TV, इन सबका जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं, तो आपको ज्वाइन करना होगा। तो ऊपर जो दिया गया नंबर है उससे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।